हम सब जानते हैं कि भारतीय टीम को लेफ्ट आर्म पेसर्स कितना ज्यादा तंग करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम एक ऐसे लेफ्ट आर्म पेसर की बात करेंगे जो आने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप में ना ही भारतीय टीम को बल्कि हर एक टीम को परेशान कर सकता है। कौन है वो खिलाड़ी, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पोवानी एंड वेलकम टू आरवीसीजे स्पोर्ट्स। दोस्तों, जब भी ओडीआई वर्ल्ड कप की बात आती है तो लेफ्ट आर्म पेसर्स में सबसे ऊपर नाम आता है ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क का। मिचेल स्टार्क और ओडीआई वर्ल्ड कप का सिलसिला 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप से शुरू हो चुका था। 2015 का ओडीआई वर्ल्ड कप उन्हीं के घर यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जा रहा था। 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क ने अपने पहले ही मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 2 विकेट चटकाए थे। ऑस्ट्रेलिया का तीसरा मुकाबला हो रहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया ने उस मैच में सबसे पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 151 रन बनाए थे, लेकिन उस मैच को लो स्कोरिंग थ्रिलर बनाने का काम किया था मिचेल स्टार्क ने। उस मैच में उन्होंने मात्र 28 रन दिए और 6 विकेट न्यूजीलैंड के चटका दिए। एक ओवर में तो उन्होंने 2 लगातार यॉर्कर डाल के एडम मिलने और टिम साउदी को बोल्ड कर दिया था, और इस तरीके से वो ओवर में अपने हैट्रिक चांस पे भी थे, लेकिन केन विलियमसन की एक स्टेडी और समझदार वाली पारी ने ऑस्ट्रेलिया को वो मैच हरा दिया था। लेकिन उस मैच में मिचेल स्टार्क पहले ऐसे ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज बने जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में 2 बार 6 विकेट का हॉल लिया था। न्यूजीलैंड के सामने हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया अपने ग्रुप स्टेज का हर एक मुकाबला उस ओडीआई वर्ल्ड कप में जीत चुकी थी। उसी वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के सामने उन्होंने 5 ओवर चला के सिर्फ और सिर्फ 14 रन दिए थे और स्कॉटलैंड के 4 विकेट भी चटका दिए थे। सेमीफाइनल में भी उन्होंने भारत के अगेंस्ट 9 ओवर डाले थे और 28 रन दिए थे और उसी के साथ उन्होंने 2 विकेट भी लिए थे, और इस तरह ऑस्ट्रेलिया उस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी थी, और वो फाइनल था न्यूजीलैंड के खिलाफ। वही न्यूजीलैंड जिनके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मुकाबला हार चुकी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस बार अलग प्लानिंग के साथ आई थी। इस मैच में सबसे पहले बल्लेबाजी की थी न्यूजीलैंड ने, और उस इनिंग के तीसरे ही बॉल पे मिचेल स्टार्क ने ब्रैंडन मैकलम को बोल्ड कर दिया था। ब्रैंडन मैकलम की उस विकेट के बाद न्यूजीलैंड जैसे बैकफुट पर चली गई और उस मैच में न्यूजीलैंड की कभी वापसी ही नहीं हुई, और इस तरह ऑस्ट्रेलिया बन गई 2015 ICC ODI वर्ल्ड कप की चैंपियन, और मिचेल स्टार्क बन गए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। मिचेल स्टार्क का उस टूर्नामेंट में बॉलिंग स्ट्राइक रेट था 17.4 का, जो कि वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बेहतरीन था। फिर जब बात आई 2019 के ODI वर्ल्ड कप की, जो खेला जा रहा था इंग्लैंड में, तो 2019 के वर्ल्ड कप से पहले ही मिचेल स्टार्क ने अपना फॉर्म पकड़ लिया था, इसीलिए उनके पहले ही मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट चटकाए थे। उस वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बन गए थे, और उस वर्ल्ड कप में बेन स्टोक्स को वो यॉर्कर चला के आउट करने वाली गेंद कौन भूल सकता है। इसी तरह से 2019 के वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क ने 27 विकेट लिए थे, जो आज तक का रिकॉर्ड है सिंगल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने का। 2023 के वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क का नाम है ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में। हालांकि वर्ल्ड कप से पहले वो फिट तो नहीं है खेलने के लिए, लेकिन ये वर्ल्ड कप का साल है, मिचेल स्टार्क कभी भी फिट हो सकते हैं और कभी भी विकेट्स चटका सकते हैं। आपको क्या लगता है, इंडियन कंडीशंस में मिचेल स्टार्क को इतनी मदद मिलेगी? क्या वो इस साल के ODI वर्ल्ड कप में इतने इम्पैक्टफुल साबित होंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही कुछ वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करना RVCJ स्पोर्ट्स को। जय हिंद।